स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। अगस्ता वेस्टलैंड घुसकांड में फंसे अफसरों को इटली में क्लीन चिट। भारत सरकार के साथ हेलीकॉप्टर सौदे में फंसी इटली की रक्षा मामलों की कंपनी लियोनार्डो के दो उच्च अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने आरोप से बरी कर दिया है। वर्ष 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घुसकांड में इन दोनों अधिकारियों का नाम सामने आया था। पाकिस्तानी कर्मचारी ने चीनी अधिकारी को भट्टी में धकेला। पाकिस्तान की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी को भट्टी में धकेलने का आरोप में पुलिस ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। फैसलाबाद के शाहीनवाला इंडस्ट्रियल एस्टेट की फैक्ट्री में कर्मचारी काम करता था, जबकि चीनी नागरिक उसका प्रभारी था। एवरेस्ट पर चढ़ाई की कोशिश कर रहे 200 पर्वतारोही लगा जाम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के क्रम में बुधवार को उस समय ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई, जब 200 से ज्यादा पर्वतारोहियों ने एक साथ आखिरी छोर पर पहुंचने की कोशिश की। उत्तर कोरिया ने पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिडेन को बताया मूर्ख। उत्तर कोरिया ने अपने सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की आलोचना करने पर अमेरिकी के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन को मूर्ख करार दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बुधवार को एक लेख के जरिए कहा, वह कम अक्ल वाले हैं। आखिरी ब्रेक्सिट दाव विफल रहने के बाद टेरिजा पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे पर बुधवार को इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया। उनका अंतिम ब्रेक्सिट दाव विफल रहा। सभी सांसदों ने उनके प्रयास को ठुकरा दिया और यहाँ तक कि उनके कुछ मंत्रियों ने आलोचना भी की। ब्रेक्सिट रेफरेंडम पर अपना रुख नरम कर लेने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया है। फ्रांस में भारतीय वायुसेना की राफेल परियोजना प्रबंधन टीम के दफ्तर में घुसपैठ। फ्रांस में भारतीय राफेल परियोजना प्रबंधन टीम के कार्यालय में विमान से संबंधित डेटा चोरी करने के संभावित जासूसी के प्रयास में अज्ञात व्यक्तियों ने रविवार रात घुसपैठ की है। ये जानकारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं से संबंधित और संवेदनशील है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।